हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्राइम स्किल्स वंस अगेन सो आज हम अपनी यूनिट थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट थ्री का नाम है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इससे पहले हमने लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के बारे में डिस्कशन किया था यूनिट टू हमारी कंप्लीट हो चुकी है यूनिट वन हमारी पैराली चल रही है तो मेक श्योर की आप सभी वीडियोज के साथ ट्यून हो और सारी वीडियोज को आप कंप्लीटली देखें तो आज की जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रीडिंग स्टाइल्स आज हम रीडिंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बिफोर वी मूव फर्दर I have a request if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get all the notifications related to all the videos which I post over this channel right so i keep on posting a lot of videos related to personality development your soft skills development communication skills vocabulary and a lot many things so if you really want to establish yourself as a good communicator make sure that you hit the bell icon so that you can get all the notifications moreover you can also connect with me through the whatsapp and the telegram channel so if you have not joined me over there make sure that you join them so without further ado let's go ahead and start discussing our today's topic टॉपिक इज रीडिंग स्टाइल्स आज हम रीडिंग स्टाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों दिस इज अर्स बी एस वन जीरो फाइव टू जीरो फाइव एंड दिस इज अब वॉज रिल नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो दिस एंड राइटिंग स्किल्स और आज हम अपना लेक्चर वन शुरू करने जा रहे हैं तो ये यूनिट काफी छोटी है तो इस यूनिट में ज्यादा से ज्यादा चार से पांच लेक्चर्स होंगे तो दिस यूनिट विल बी कम्प्लीटेड इन नेक्स्ट फोर टू फाइव डेज सो स्टेट यून इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दर कॉन्सेप्टो है तो हमारा टॉपिक है रीडिंग स्टाइल जिसमें कि हम स्कीमिंग स्कैनिंग चर्निंग और एसिमिलेशन इन सबका डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी आपके सामने है पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट ट्राई टू रीड दिस पैसेज आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और आपने इस पैसेज को जरूर पढ़ा होगा अगर आप इस पैसेज को ध्यान से देखें तो इस पैसेज के अंदर कोई भी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है बट इवन देन यू वॉज एप्सोल्यूटलीटली एबल टू अंडरस्टैंड पैसेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड एक्चुअल में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो फैक्ट इस पैसेज में ही दिया गया है जिसके हिसाब से किस ऑर्डर में आपके लेटर्स हैं इससे फर्क नहीं पड़ता द स्टार्टिंग एंड द लेक्चर एंडिंग लेटर डिसाइड वेदर यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट स्पेसिफिक वर्ड और नॉट सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी स्पेलिंग्स अगर कर भी रहे हैं वैसे तो spellings में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए बट वेन एवर यू आर राइटिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर शुड बी at the एट द करेक्ट प्लेस

तो कम्युनिकेशन के चार डायमेंशन होती हैं नंबर वन इज लिसनिंग नंबर टू रीडिंग नंबर थ्री स्पीकिंग एंड नंबर फोर राइटिंग और अगर इनको कलेक्टिवली देखा जाए तो इनको एल एस आर डब्ल्यू बोला जाता है लिसनिंग स्पीकिंग

you should be a good reader a good speaker and of course a good writer too okay let's talk about the reading now reading skills are abilities that pertain to a person's capacity to read comprehend interpret and decode written language and text reading ka matlab kya hai yani reading ek aisi ability hoti hai jiske through aap likhe hue text ya likhe hue kisi bhi material ko kisi bhi content ko aap padh saken aur achhe tarike se samajh saken

you will never be able to respond properly so in order to become a good communicator in terms of the written communication in terms of the you know the communication which generally occurs in the professional organizations and the professional setups you need to understand how to read effectively agar your reading effective hai, then you will not be a good communicator so reading actually plays a very important role Using reading skills in the workplace can also be important for ensuring effective written communication, which can result in less miscommunication or misunderstanding of expectations. Yani, अगर आपका रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन के चांसेस जो होंगे रिटर्न कम्युनिकेशन में वो मिनिमम होंगे and प्रोफेशनल सेटअप्स में या फिर फॉर्मल uh, कम्युनिकेशन में जनरली आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटर्न ही ज्यादा होता है स्पोकन कम्युनिकेशन पे बहुत कम लोग रिलाई करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन पे ज्यादा रिलाई किया जाता है बिकॉज दैट इज मोर रिलायबल रीडिंग स्किल्स केन ऑल्सो इनकेदर टू डेवलप ओवरऑल लिटरेसी स्किल इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन वोकैबुलरी स्ट्रेटेजीज दैट हेल्प रीडर्स इन इंटरप्रेट एंड फाइंड द मीनिंग इन टेक्स्ट अगर आप एक अच्छी रीडर बनना चाहते हैं तो रीडिंग स्किल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है एक अंबरेला टर्म है जिसके अंदर काफी सारी डिफरेंट चीजें आती हैं फॉर एग्जाम्पल आपका वोकैबलरी डेवलपमेंट अगर आपकी वोकैब्लरी अच्छी नहीं है नो मैटर हाउ गुड अ रीडर यू आर विद वॉट फोकस यूर रीडिंग यू विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट द आइडिया यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया ऑफ दैट टेक्स्ट इन द सेम वे अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है अगर आप रीडिंग जो है या फिर अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं तो उस सिचुएशन में भी वॉट विल हैपन

अपने एक लर्निंग माइंडसेट से कुछ भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार समझ लीजिए कि आज से 700 साल पहले 800 साल पहले जो साइंटिस्ट या जो भी स्कॉलर्स रहे होंगे उन, उनकी बात को आप कैसे समझ पाएंगे उनकी बात को आप तक आप कैसे पहुंच पाएंगे केवल रीडिंग के माध्यम से उनकी बुक्स के माध्यम से उनके उनके स्क्रिप्चर्स के माध्यम से उनके टेक्स्ट के माध्यम से तो उसके लिए अगर आप कुछ भी चीज लर्न करना चाहते हैं तो रीडिंग स्किल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इसके अलावा रीडिंग किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक्स स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा अगर आप कोई भी कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं वो इंजीनियरिंग के एजुकेशन ले रहे हो या फिर आप साइकोलॉजी के एजुकेशन ले रहे हो आर्ट्स की साइंस की कॉमर्स की वट एजुकेशन इट इज इन एकेडमिक्स यू नीड टू रीड अ लॉट मनी बुक्स एंड इफ यू डोट रीड द बुक्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए और लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर टू गेनिंग इफॉर्मेशन एंड नॉलेज आप इनफॉर्मेशन को और नॉलेज को गेन करने के लिए अपनी रीडिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूज पेपर मैगजीन रिपोर्ट एट्सेट्रा जब भी आप डेली मॉर्निंग

एंड देन एंटरटेनमेंट अगर आप स्टोरीज नॉवल्स इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है आप जोक्स की बुक्स में इंटरेस्टेड है आप लाइक like इस तरह की किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है जब आप इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं तो आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होने जरूरी है लैंग्वेज लर्निंग अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं देन रीडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश रीड अ लॉर्ट ऑफ लॉर्ड ऑफ इंग्लिश बुक्स इफ यू रिली वॉन्ट टू लर्न जर्मन read a lot of German books. So in this way, you need to just understand a lot, many uh, things in a uh, lot, many books, or you need to just read a lot. Many, uh, you can say articles and text in order to understand that language properly. Personal and professional growth. If you want biographies, their books, then again, uh, this reading skills becomes a very, very important and a crucial, uh, you can say tool or instrument for your development. Listening versus reading. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लिसनिंग और रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है तो रीडिंग इज बेटर देन लिसनिंग इन मैनी एस्पेक्ट। रीडिंग जो होती है वो लिसनिंग से कहीं ज्यादा बेटर होती है क्यों आइए समझते हैं नंबर वन लिसनिंग रिक्वायर्स हायर अटेंशन जब भी कभी आप किसी चीज को सुनते हैं तो उसमें ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एक बार जैसे ही किसी ने बोला वो चीज खत्म हो गई तो उसके बाद अगर वो रिकॉर्ड नहीं की जा रही है देन यू वुड नॉट बी एबल टू हेयर इट तो वहां पे अटेंशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है नंबर टू रीडिंग अस टू रेफर टू द टेक्स्ट अगेन इफ वी मिस एनी पॉइंट अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है पढ़ते हुए तो आप कभी भी अपनी बुक में या कभी भी अपने टेक्स्ट में वापस उस पॉइंट को पढ़ सकते हैं तो दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट

सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्कैनिंग की व्हाट इज स्कैनिंग जैसा कि नाम से क्लियर है स्कैन करने का मतलब क्या होता है किसी चीज को ऊपर से पढ़ना ठीक है तो बिल्कुल वही चीज स्कैनिंग में होती है स्कैनिंग इन्वॉल्व लुकिंग ओनली फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एस की वर्ड नंबर नेम्स एक्सेट्रा मटीरियल स्कैनिंग में आप क्या करते हैं आपको पता होता है कि आप किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं फॉर अगर मान लीजिए आप एक फॉम्फलेट पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप अगर आप कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़ रहे हैं जिसमें कि आप कोई स्पेसिफिक डिश ढूंढ रहे हैं या फिर न्यूज पेपर में आप अपनी कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब जो है स्कैनिंग का प्रोसेस कहलाता है जहां पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बीच में से आप अपने काम के इंफॉर्मेशन को फटाफट से निकालते हैं राइट right? फास्ट प्रोसेसिंग uh, होती है, फास्ट रीडिंग होती है इसके लिए आपको तीन चाहिए नहीं है कि आपको क्या है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर व्हाट एम आई सपोज टू बी लुकिंग फॉर नंबर टू टाइप ऑफ मटेरियल टू बी स्कैन किस तरह के मटेरियल को आप स्कैन करने की कोशिश करेंगे वेयर कैन आई गेट द इन्फॉर्मेशन नीडेड तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जॉब ढूंढने की कोशिश करें तो आप नौकरी डॉट कॉम पर जाएंगे अगर आप मेट्रीमोनियल मेट्रीमोनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वो हो सकता है कि आप न्यूज पेपर को स्कैन करें या फिर लाइक दे कैन दैन बनीथिंग यू माइट बी लुकिंग फॉर सर्टेन वर्ड्स देन यू कैन जस्ट गो टू द डिक्शनरी सो टाइप ऑफ मटीरियल टू बी स्कैन एंड नंबर थ्री द लेआउट हाउ इज दिस इन्फो इन द मेटीरियल अरेंज्ड आपका मटेरियल किस तरीके से अरेंज्ड है अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है देन इट वुड बी मच इजियर फॉर यू अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है ऑब्जेक्टिव so mean? uh, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या ढूंढना है तो आपको ढूंढेंगे कैसे ठीक है ना तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है फोन बुक मेन्यू बोर्ड

इन डेप्थ आर्टिकल एंड फुल्स ऑन द अदर हैंड आर द ट्रिक्स स्पेशली इफ दे आर मेड अपनिंग उन चीजों की यानी जैसे कि आपके नॉवल्स हो गया या फिर कोई स्टोरी बुक हो गई या फिर कोई बहुत ही बड़ी मोटी सी बुक हो गई उसमें स्कैनिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बट जिनका लेआउट थोड़ा सा सिंपल होता है वहां पर स्कैनिंग करनी थोड़ी सी ईजी हो जाती है स्कैन कॉन्टेंट वेन आप स्कैन अपना कॉन्टेंट कब करेंगे कौन कौन सी ऐसी जगह होंगी कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां पर आप स्कैनिंग करेंगे नंबर वन चेकिंग योर इनबॉक्स जब आप अपने इनबॉक्स को चेक कर रहे हैं तो अपने मतलब की मेल फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज आजकल स्पैम मेल बहुत ज्यादा आती है उनमें से अपने मतलब की मेल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप स्कैनिंग करते हैं बाइंग फ्रॉम द बुक और ग्रोसरी स्टोर जब आप बुक बुक शॉप से या बुक स्टोर से बुक्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी बुक्स को खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं आप जनरली बुक को खोल के देखते हैं उसका टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं फिर एक दो पेज बीच में पढ़ने की कोशिश करते हैं इस तरीके से आप उसकी स्कैनिंग करते हैं एंड देन यू फाइंड आउट की हाँ ये बुक मेरे काम की है इसी तरीके से जब आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं आप कोई प्रोडक्ट उठाते उठाते हैं उसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखते हैं उसमें कितनी कैलोरीज है कितना है क्या कंटेंट है क्या इंग्रीडियंट्स है वो सारी चीजें चेक करते हैं वहां पर आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं इसी तरीके से चूजिंग मील्स अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं किसी भी मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में जहां पे आपको मेन्यू कार्ड मिला हुआ है उस मेन्यू कार्ड में आप अपने मतलब की डिश ढूंढने की कोशिश करते हैं दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्कैनिंग सो स्कैन कंटेंट वेन इन जनरल स्कैनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मटीरियल विद अ सेट लेआउट सच न्यूज पेपर इन द फोन बुक जिनका एक सेट लेआउट होता है वहां पे आप स्कैनिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे बुक में स्कैन करना इट्स इट्स इज अ बिट डिफिकल्ट एक एक अगर बहुत ही मोटी बुक है या फिर बहुत ज्यादा कंटेंट है वहां से स्कैनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू यूज व्हेन यू व्हेन यू नीड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड दैट टू वेरी फास्ट जब आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से ग्रैप करना चाहते हैं तो वहां पर आप स्कैनिंग का यूज करते हैं नंबर टू इज स्किमिंग स्किमिंग क्या होता है बच्चों स्किमिंग इन्वॉल्व रीडिंग मोर इन लेस टाइम जब आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं तो वहां पे आप स्किमिंग करते हैं राइट अनलाइक स्कैनिंग यू फर्स्ट नीड टू गेट द मेन आइडिया ऑफ द मटीरियल स्कैनिंग में तो आप कोई भी नया मटेरियल चूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए ठीक है वहां से आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स निकालने के लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ग्राप करने के लिए लेकिन स्किमिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से उस मटेरियल की जानकारी हो पहले से आपने उस चीज को पढ़ा हुआ या फिर उसके सेंट्रल आइडिया उसका मेन आइडिया आपको पता हो ठीक तो तो है तो एक तरीके से देखा जाए तो जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज द स्किमिंग ओनली राइट बिकॉज आप नोट्स पहले पढ़ चुके होते हैं एंड देन वेन आर रिवाइजिंग यू आर स्किमिंग द मेन कंटेंट राइट यू आर जस्ट गेटिंग द मेन पॉइंट जस्ट द्स जस्ट द यू नो द मेन आइडियाज एंड विच विल रिवाइव द एंटायर लर्निंग इन यूर माइंड कैन ओके दिस वर्क बेस्ट फॉर द नॉन फिक्शन वर्क नॉन फिक्शन वर्क के लिए ये ज्यादातर uh, काम करता है क्योंकि फिक्शन जब भी आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है एक बार अगर आपने कोई फिक्शन नॉवल पढ़ लिया तो आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे

नंबर वन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए वट डू आई नीड फ्रॉम दिस मटेरियल इस मटेरियल से मुझे चाहिए क्या क्योंकि आप पहले से उस मटेरियल को पढ़ चुके होते हैं तो अब आपके पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है कि अब मैं इस मटेरियल को रिवाइज करना चाहता हूं या फिर मैं इस मटेरियल में से कुछ और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहता हूं तो वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए नंबर टू मेन आइडिया वॉट इज द मेन मैसेज और द थाट ऑफ द पीस तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आप ये जिसकी स्किमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेसिकली इसका मेजर आइडिया क्या है तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिकॉज इफ यू डोंट हैव द आइडिया यू विल बी स्कैनिंग

ठीक है तो आपको एक्जैक्टली exactly ये पता होता है स्किमिंग में कि आपको किस पॉइंट पे जाना है राइट right? और आपको किस पॉइंट को रिवाइज करना है या फिर कहां पे वो पॉइंट मिलेगा तो एक तरीके से ये एक रिवीजन ही होता है जहां पे आप अपने मटेरियल को दोबारा से रिविजिट कर रहे होते हैं बट बहुत ही फास्ट पेस में बहुत ही रैपिड एक्शन के साथ आप अपने मटेरियल से गो थ्रू होते हैं ठीक है तो उसको हम स्किमिंग बोलते हैं प्लीज नोट दैट यू माइट नॉट बी एबल टू गेट दर थॉट यूजिंग दिस मैथ इस मेथड से आप अगर कोई नई बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे स्किम करने की कोशिश करेंगे नहीं कर पाएंगे रीजन क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि यूज करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं या पहले एक बार बुक को विजिट कर चुके हैं स्किमिंग क्रूशियल मटीरियल कॉन्ट्रेक्ट नॉवल्स रिसर्च पेपर इज नॉट एडवाइज बिकॉज यू कुड मिस एंड इट लेटर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिस कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स नॉवेल्स रिसर्च पेपर्स इनको स्किम करने की कोशिश ना करें क्योंकि आप जब स्किम करते हैं तो आप बेसिकली काफी सारी चीजें स्किप करते हैं तो स्किप अगर आप कर देंगे तो आप पूरा आइडिया नहीं ले पाएंगे इसीलिए पहले बोला गया है स्किमिंग के लिए सेंट्रल आइडिया का होना बहुत जरूरी है मतलब कि आप उस मटीरियल को पहले विजिट कर चुके हैं दिस इज योर सेकेंड विजिट एंड नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली स्किम कंटेंट वेन कब आप अपने कंटेंट को स्किम कर सकते हैं रीडिंग रिव्यूज जब एमेजॉन पर आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट के रिव्यूज को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे आप स्किमिंग मेथड यूज कर सकते हैं रीजन बीइंग क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता है और उसके बारे में अच्छाईय और बुराइयों को आप देखने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं क्विक रिसर्च जब आप किसी टॉपिक के बारे में क्विक रिसर्च करना चाहते हो तब आप स्किमिंग कर सकते हैं एंड देन इम्प्रॉम्प टू प्रेजेंटेशन अगर आप कोई एक इम्प्रम्प टू प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वट यू कैन डू यू कैन जस्ट यू नो स्म सर्टेन टॉपिक अगर मान लीजिए आपसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलने के लिए कहा गया आपको अनएप्लॉयमेंट के बारे में पहले से अच्छे खास अच्छी खासी बातें पता है बट यू जस्ट वॉन्ट सर्टेन पॉइंट्स टू स्पीक सो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे देन यू कैन स्कम द कॉन्टेंट सो दट यू कैन गेट सम वैल्यू एडिड पॉइंट और यू कैन सिम सम्यूबल पॉइंट्स विच यू कैन प्रेजेंट इन योर इम्प्रॉम टू स्पीकिंग ओके एंड रिव्यूंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफकोर्स यू नो अबाउट इट जब भी कभी आप फाइनली अपने एग्जाम्स uh, के लिए जाते हैं तो उस मोमेंट पे आप क्या करते हैं आप अपने नोट्स को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं रिवाइज करने की कोशिश करते हैं दैट इज ऑल्सो द मैथड ऑफ स्कम क्योंकि आपको पता है कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसको स्किप कर देते हैं और बाकी सबक आप स्किम करके यू जस्ट कंज्यूम इट राइट स्किमिंग इज ग्रेट फॉर वेन यू नीड टू कवर द बेसिक्स कलेक्टिव रिसोर्सिस रीड कपल ऑफ पैराग्राफ एंड टेक द मेन आइडिया ऑफ ईच जब आप अपने बेसिक्स को एक बार रिफ्रेश करना चाहते हो ब्रशअप करना चाहते हो देन स्किमिंग इज इंपॉर्टेंट नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल स्कमिंग कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड जब आप बहुत कम टाइम में अच्छा खासे कंटेंट को रिवाइज करना चाहते हो अच्छे खासे कंटेंट के ऊपर अपनी मास्टरी हासिल करना चाहते हो देन स्कीमिंग इज इंपॉर्टेंट और स्कीमिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल बट रिमेंबर दिस थिंग फॉर स्किमिंग द सेंट्रल आइडिया और द प्रायर नॉलेज ऑफ सेंट्रल आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके नंबर थ्री इज चर्निंग राइट right? चर्निंग का मतलब क्या होता है चर्निंग रीडिंग का एक डिफरेंट स्टाइल होता है चर्निंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं नंबर वन इंटरप्रिटेशन एंड नंबर टू इंफ्लेंस अगर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इंटरप्रिटेशन और इन्फ्लुएंस दोनों को गेन कर पा रहे हैं या इंटरप्रिटेशन uh, गेन कर पा रहे हैं और इन्फ्लुएस दे पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द चर्निंग इंटरफियरेंस और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है इंटरप्रिटेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रू एंड इनडेप्थ मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट जब आप किसी भी टेक्स्ट का इनडेप्थ मीनिंग समझ पा रहे हैं तो वो उसका इंटरप्रिटेशन कहलाता है इंटरप्रिटेशन इज रिलेटेड टू वर्बल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट जागन वोकैबुलरी अगर आप इंटरप्रटेशन करना चाहते हैं तो आपको उस टेक्सट की जागन्स वोकैबुलरी उसमें यूज होने वाले फ्रेजेस उसमें यूज होने वाले सेंटेंसेज इन सबकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए ओनली देन यू विल बी एबल टू चर्न द कॉन्टेंट और यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द कॉन्टेंट Now, second, uh, inference. Inference मतलब क्या होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड इंटेंट ऑफ द टेक्स्ट जब आप मैसेज के पीछे लिखा, लिखा है उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द कि एक्चुअल में ऑथर कहना क्या चाह रहा है देन यू ड्रॉ द इनफरेंस राइट यू ड्रॉ द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट

यूज uh, करके पढ़ने की कोशिश करते हैं दैट इज स्पेसिफिक प्रोसेस नोन एज चर्निंग चर्निंग का मतलब होता है कि किसी चीज को मथना हिंदी में इसको बोलते हैं मथना मत मतलब मतलब आप उस टेक्स्ट को वैलिडेट uh, करने की कोशिश कर रहे हैं उस टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब है क्या केवल डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है वो चीजें भी आप इंडेप में समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द चर्निंग इन ऑर्डर टू चर्न अंडरस्टैंड द टू थिंग्स रिक्वायर्ड अगर आप चर्न करना चाहते हैं तो दो चीजें आपको रिक्वायर्ड है नंबर वन वोकैबुलरी सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन के लिए आपको वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है अगर आप टेक्निकल जागंस टर्मिनोलॉजी इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं देन आप कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे ठीक है और इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो चर्निंग नहीं हो पाएगी इसी तरीके से कोहरेंस कोहरेंस का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंडिंग डिस्कोर्स में आकर सिक्वेंस अंदर व्लोबल साइनबोर्ड सिक्वेंसर हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किए थे तो अगर आप सेंटेंसेस के बीच में यूज होने वाले सीक्वेंसर्स डिस्कोर्स मार्कर्स और वर्बल साइन जैसे कि ऑलमोस्ट हियर वी गो देयरफॉर बिकॉज़ इन सब चीजों को हम बोलते हैं वर्बल साइन जिसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है उन इंपॉर्टेंट साइन साइन बोर्ड्स या फिर उन इंपॉर्टेंट साइन पोस्ट को चेक करके आपको ये डिफाइन करना आपको फाइंड आउट करना है कि अंडरलाइंग मैसेज और द मैसेज बिटवीन द लाइन ऑफ द टेस्ट ओके सो वोकैबुलरी और कोहरेंस दोनों कॉन्टेंट और इफ यू रॉन्ट टू रीड द कॉन्टेंट इनपर वे एंड द फोर्थ इज एस्टिमुलेटिंग दिस इज द फोर्थ रीडिंग स्टाइल जिसका मतलब होता है दिस द फाइनल स्टेज ऑफ रीडिंग इज एस्टिमुलेन एस्टिमुलेन इज द प्रोसेस ऑफ कमेटिंग द इनफॉर्मेशन टू आर लॉन्ग टर्म मेमरी सो दैट इट कैन बी यूज इन फर्क इन फ्यूचर अगर आप कभी कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा ना अगर आप मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं सेल्फ हेल्प से रिलेटेड और आप चाहते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट्स को फ्यूचर में अप्लाई कर पाए तो उसके लिए सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट्स याद तो रहने चाहिए तो इन ऑर्डर टू रिमेंबर और पुट दो मेमोरी यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एस्टिमिलेशन और बेसिकली

ओके okay? आप उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर रहे हैं आप उसको लर्न कर रहे हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल तो आप उसको अप्लाई करेंगे तब होगा लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कम से कम समझने तो जरूरी है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होने तो चाहिए ना तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करने का जो प्रोसेस होता है वही बेसिकली आपका एसिमुलेशन कहलाता है एसिमलेन ऑल्सो एनेबल्स टू डिलीवर द कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन टू समी एल्स विद क्लैरिटी एंड यूसिटिटी पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी चीज को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो नहीं आती है राइट right? या फिर आपने उसको अच्छी तरह से सीखा नहीं है बिल्कुल वही प्रिंसिपल यहां पे भी काम करता है एसिमुलेशन का मतलब है कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को इतने ध्यान से और इतने अच्छे तरीके से पढ़ें दैट यू बिकम कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू समी इन सच अ ल्यूसिड इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट द पर्सन अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग विदाउट इवन गोइंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट राइट सो दैट इज बेसिकली द एसिमुलेशन एसेंशियली रिक्वायर चर्निंग ऑफ और एनालिसेशन पॉसिबल नहीं है जब तक आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालिटिकली एनाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे समझने की कोशिश नहीं करेंगे यू विल नेवर बी एबल टू मेक समबडी अंडरस्टैंड अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन और मेक समबड़ी यू नो लाइक गेट द कम्प्लीट और होल आइडिया अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन सो इन ऑर्डर टू एस्टिमुलेट एनी टेक्सट रीडिंग यू नीड टू सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल चर्न द मटीरियल राइट िएवायर्ड इन्फॉर्मेशन विदी ओन कॉन्सेप्टिजुअल पिक्चर्स वीडियो प्रैक्टिकल्स पियर डिस्कशन एंड रियल टाइम एप्लीकेशन देखिए आपने एक इन्फॉर्मेशन को थ्योरिटिकली गेन किया अब अगर आप उसको लॉन्ग टर्म मेमरी में रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एसोसिएशन बनाने पड़ते हैं वो एसोसिएशन आपकी ऑलरेडी ऑक्युपाइड नॉलेज के साथ होते हैं तो आपने कोई नया कॉन्सेप्ट लर्न किया अब एक सिंपल सी बात करते हैं कि मान लीजिए आपने न्यूटन के लॉज uh, को लर्न uh, करना शुरू किया द द्री लॉज ऑफ न्यूटन राइट वहां पे क्या होगा अगर आपको ग्रेविटी का प्रिंसिपल नहीं पता है और आप उसको ग्रेविटी के प्रिंसिपल के साथ कहीं ना कहीं अटैच नहीं करने की कोशिश करते हैं देन व्हाट विल हैपन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ राइट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्पेसिफिक आइडिया कि आप पुराने कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स या पुराने आइडियाज पुरानी नॉलेज जो है आपकी उसके साथ अपनी न्यूली लर्न कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो हाउ कैन यू डू दैट यू कैन यूज द विजुअल्स पिक्चर्स इमेजेस यू कैन यूज द वीडियोज यू कैन यूज यू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स यू कैन डू सम रियल टाइम एप्लीकेशन दे कैन बी अलॉट मेनी थिंग्स So make sure that you understand that uh, assimilation process. The major objective of assimilation is to create a mental model or map of the captured information and make it easily and quickly accessible at your will. जब आप इस तरह के बहुत सारे मैथड्स और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में पैक uh, करने के लिए तो वॉट विल हैपन यू विल क्रिएट योर ओन शॉर्टकट्स बट दे विल नॉट बी द शॉर्टकट्स फॉर एनी बडी एल्स दे विल बी शॉर्टकट ओनली फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दम राइट दो शॉर्टकट्स आर बेसिकली कॉल द मेंटल मैप्स और द माइंड मैप्स जब आप एक मेंटल मॉडल अपने माइंड में बना लेते हैं तो क्या होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से एक्सेस कर पाते हैं एक सिंपल सी बात लीजिए कि अगर आपको आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं अगर किसी नए व्यक्ति को वो प्रॉब्लम देंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा बट यू विल बी यू नो वेरी क्विक इन जस्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम सो दैट शोज दैट यू हैव क्रिएटेड अ मेंटल मॉडल इन योर माइंड सो दैट यू कैन एक्चुअली

although it's not easy but it makes easy it becomes easy for you because you have already invested a lot much time or lot much efforts on that specific uh, you can see reading or that specific content and that's why it becomes part of you okay so that's it my dear students i hope that you understood the concept of uh, you know the reading styles and uh, if there is any specific issue you want to ask me or if there is any doubt make sure that you comment it or you simply just uh, connect with me through the whatsapp or the telegram channel if you have not subscribed the channel make sure that you subscribe the channel and you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which i am going to post over here right so thank you so much. Uh, please do comment, subscribe and share and also connect with me on WhatsApp and Telegram channel in order to have a better connection. Thanks for reaching up to this point. Have a good day ahead. See you in the next video.